नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्रीडम वीडियोस पे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू मेक ग्लास एक्वेरियम। आप अपने से कांच का एक्वेरियम कैसे बना सकते हैं, वो भी एकदम बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेड टैंक। तो देखते रहिए मेरा वीडियो और मैं इसमें ये बताऊंगा कि कांच को कौन सी साइज में कटवाना चाहिए एक्वेरियम बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि नीचे का कांच कितना चौड़ा होना चाहिए, साइड में कैसे कांच एडजस्ट होगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा। तो ये सब देखिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ तरीके से। तो आज मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको जो जरूरत पड़ती है एक्वेरियम बनाने के लिए, तो वो होता है सबसे मेन तो ग्लास होता है। ग्लास एकदम से साफ होना चाहिए, कांच को सबसे पहले साफ कर ले। साफ करने के बाद इसमें आपको ये पत्थर होता है, इसे मारना चाहिए चारों तरफ, इससे कांच की धार होती है वो खत्म हो जाती है, हाथ से नहीं। और इसको मारने के बाद आपको कांच को पूरी तरीके से साफ करना पड़ेगा अच्छे से गीले कपड़े से, उसमें एक भी दाग और वो नहीं होना चाहिए। ये नीचे का बेस का कांच है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या साइज के कांच में कितना गैप होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए। तो ये जो एक्वेरियम है ये 9x12 का है, तो इसकी जो ये लंबाई है ये 1 फीट है 12 इंच, और जिसकी चौड़ाई है ये 9 इंची की है। तो समझिएगा आप कि आपको कैसे कांच लेना है और क्या साइज होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लो कि आपका 3 फीट का एक्वेरियम है और उसकी आप चौड़ाई करते हैं 1 फीट, तो उसमें भी फार्मूला लागू होगा और इसमें भी। आप अगर 10 फीट का एक्वेरियम बनाते हैं तो उसमें भी ये रूल लगेंगे, उसमें भी लगेंगे। तो आप देखिए कि करना कैसे है। ये तो नीचे का हो गया 12x9 मैंने दिखाया, और इसके जो साइड में एक तो ये फ्रंट का होगा, फ्रंट का देखिए यहां से यहां तक पूरा आपको 12 लेना है, जैसे कि ये 12 है, ये पूरे इस पे आएगा। उसके बाद जो रहेगा साइड में, साइड का जो कांच रहेगा वो इस कांच के अंदर जाएगा, जो कि है ये। तो आपको क्या करना है, सामने वाला कांच तो बिल्कुल से बराबर लेना, क्योंकि साइड में जो बीच वाले कांच होते हैं उन्हें आपको अंदर करने के लिए 1/2 इंची छोटा कांच कटवाना पड़ेगा, ये नीचे के बेस की चौड़ाई का। जैसे कि इधर आप देख रहे हैं ये नीचे का ये 9 इंची का था, तो मैंने इस कांच को, बीच वाले कांच को 8.5 इंची कटवाया है, ऐसे ही मैंने दोनों तरफ के कांचों को कटवाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिलिकॉन कैसे लगाते हैं और कैसे इसे चिपकाया जाता है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है ये कि सबसे पहले आपको नीचे चारों तरफ बराबर से सिलिकॉन लगा देनी है। ये आपको ऐसे एकदम बराबर से पूरी जो मैं टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आप इस तरीके से कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा एक्वेरियम बना सकते हैं, वो भी अकेले, आप किसी को बिना हेल्प लिए हुए। तो आप ये मेरा वीडियो देखते रहिएगा, मैं आपको आज पूरा फुल ट्रेनिंग दे रहा हूँ एक्वेरियम बनाने की, हाउ टू मेक एक्वेरियम। और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखाता रहूँ। जैसे कि आपने देख रहे हैं मैंने चारों तरफ इतने सिलिकॉन लगा दी है। इसके बाद आप सोच रहे होंगे मैं इसे भी अकेले कैसे करूंगा। भूल गया था कि आपको एक टेप की भी जरूरत पड़ती है, ये मैं टेप लगाना भी आपको नहीं दिखाया था, देखिएगा कैसे लगाते हैं। आपको टेप के 8 टुकड़े काटने हैं, जैसे कि मैंने 4 काट लिए। आप नीचे से चारों तरफ आप इसे लगा लीजिए। वैसे टेप सबसे पहले लगा लेनी चाहिए, मैंने थोड़ा देरी करके लगाया है, सिलिकॉन के पहले ही टेप लगा लेते हैं। Thank you.
चारों तरफ टेप लगाने के बाद ये आप ये देख रहे हैं फ्रंट वाला ग्लास है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। इसके आप साइड में ऐसे ये सिलिकॉन लगा देंगे एक तरफ और यह भी दूसरी तरफ। इसको आप लगाने के बाद आप यहां पे रख देंगे एकदम बराबर से, ना ही बाहर जाए ना ही ज्यादा अंदर आएगी। इसको आप करने के बाद में ये साइड वाले ग्लास उठाएंगे, इसको अंदर तरफ से ऐसे इसको हल्का सा टेढ़ा करते हुए इसे आप थोड़ा सा दबा देंगे। और ये टेप जो है इसे ऐसे आप चिपका दीजिए। इसी तरीके से आप इसका दूसरे तरफ भी आपको याद रखना है, जो कांच रखना है उसको सिलिकॉन के ऊपर ही रखना है, बंद नहीं कर। इसके बाद आपको अंदर तरफ से इसमें ऐसे उंगली से सिलिकॉन जो बाहर निकली हुई है इसे ऐसे दबा देना है। इससे फिनिशिंग आ जाएगी आपकी बाहर तरफ से, ये देखिए। और एक घंटे से दो घंटे इसको सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन पानी आप 4 से 5 घंटे में डालिएगा। अब इसको लगाने के बाद आप यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, सिलिकॉन लगाएंगे एकदम बराबर से। याद रहे गैप एक ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीकेज हो जाएगा। और ये इस तरफ फ्रंट में और अगर बड़ा टैंक रहता है तो अंदर तरफ से ऐसे सिलिकॉन से आप ऐसे करके एक बार और सोल्डिंग कर सकते हैं। छोटा टैंक है तो एक बार में हो जाएगा, और 4 फीट 5 फीट का टैंक है तब आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसको फिर से अंदर तरफ से भी ये उंगली में भी चला देंगे, इससे सिलिकॉन जो बाहर निकली हुई है अंदर तरफ चली जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर पूछिएगा कुछ जानने के लिए।
ये तो रुक गया था, कब से रुका था?